ये जो कोरोना पेंडेमिक जो है बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। और जैसे जब ये स्टार्ट हुआ था तो अब ये लग नहीं रहा था कि ये बहुत जो है वो कोई बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होगा, लेकिन लोगों की जो है वो केयरलेसनेस से और इसको लोगों ने पहले जो है वो सीरियस नहीं लिया, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज, ठीक है। चाइना से ये कहा जाता है, एक जो है वो रूमर्स ही कह सकते हैं कि जी चाइना से जो है वो स्टार्ट हुआ, चाइना से स्प्रेड हुआ पूरी दुनिया में। तो लेकिन हमने ये देखा कि चाइना में केसेस कंपैरेटिवली कम आए बाकी कंट्रीज से, जैसे इटली में, स्पेन में, इवन अमेरिका में भी उनका हेल्थ सिस्टम जो है पूरा जो है वो क्लैप्स कर गया, ठीक है। वो इस काबिल नहीं थे कि जी वो अपने जो पेशेंट्स आ रहे थे कोरोना के उनको जो है वो डील कर सकें, ठीक है। तो उस वजह से जो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। अच्छा, जो अभी मतलब ये सब कुछ चल रहा है, इसमें जो सबसे बड़ा एक जो रिस्पॉन्स हम देख सकते हैं वो तो पब्लिक का होगा, जो कि पूरी पाकिस्तान में सब नजर आएगा हमें। तो मैं अब इतना कुछ बता नहीं सकता पब्लिक के बारे में, क्योंकि यू नो बेटर देन मी। तो जी बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा जो है वो इस पर ब्रीफ कर दूं कि इस पर जो है वो एक तो इनिशिएटिव होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो जो आपके लिए जो है वो इकदाम कर रही है, काम कर रही है, एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाने की ज़रूरत थी, उस पर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने बहुत बेहतर जो है वो उस पर जो है वो रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन उस पर पब्लिक का उस तरह से पॉजिटिव जो है फीडबैक नहीं आया, ठीक है। लोगों को अभी भी ये लग रहा है, लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, ऑल्दो 90,000+ केसेस जो है पाकिस्तान में जो है वो कोरोना के रिकॉर्ड हो चुके हैं, ठीक है, जो ऑफिशियली जो फिगर जो है वो हमारे सामने आ रही है। और डेली जो है वो लोग हमसे जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, और उनको प्रॉपर SOPs जो बनाए गए थे लोगों को पहले, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो ये कहा था कि हम प्रॉपर लॉकडाउन नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे हम डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है, और पाकिस्तान का इतना हमारे पास ना इकोनॉमिकली हम इतने जो है वो साउंड थे, और जिस तरह से पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की आवाम के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने एक रिलीफ पैकेज दिया, और तो ये बहुत 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 बड़ा पैकेज नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत उनको जो है फैसिलिटेट करने के लिए जो है उस पर काम किया और इस तरह से। लेकिन अगर हम अमेरिका के साथ अपने आप को कंपेयर करें, बेशक उनका भी जो है वो हेल्थ सेक्टर इस पे जो है वो हेल्थ सिस्टम था वो इस पे पूरा नहीं उतर सका है, लेकिन उन्होंने 2,000 बिलियन डॉलर्स का जो पैकेज दिया और हमने कोई 11-12 बिलियन डॉलर का, तो ये बहुत ही कम था, ठीक है। और उस पे ये सारा कुछ करने के बावजूद भी लोग इतना सीरियसली इसको ले रहे थे कि ये कोरोना तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, एक बहुत ही कैजुअल उनका और एक बहुत ही अजीब सा जो है वो उनका रिस्पॉन्स था। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो है फोकल पर्सन मुझे जो है वो बनाया गया है, मैं टीम मेंबर हूँ अपनी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ऑफिशियल मीडिया टीम है, तो हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी कोशिश कर रहे थे, और मैं फेसबुक पे लाइव आकर जितनी हम अपनी कैपेसिटी में काम कर सकते थे, एक अवेयरनेस जो है वो जनरेट कर सकते थे, वी ट्राइड आवर बेस्ट। लेकिन मेरे ख्याल से मैं ये आपके चैनल के थ्रू जो है मैं पब्लिक से जो जो आपके व्यूअर्स हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली, कोरोना एक बहुत जो है वो खतरनाक डिजीज़ है, एक फैटल डिजीज़ है, तो काइंडली इस पे जो है वो अपना एक पॉजिटिव जो है वो अपना बिहेवियर शो करें, ठीक है। और आवाम को जो है वो देखिए इसमें हमें करना क्या है, सिर्फ ये अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इसका प्रॉपर इलाज नहीं है कि जब हमें पता है कि हमें बुखार हुआ तो हम जाके जो है वो इंजेक्शन लगवाएंगे, उसकी मेडिसिन लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी अभी हम सिर्फ एहतियात क्या है कि हम एक दूसरे से डिस्टेंस रखें, ठीक है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग की हमें पता ही नहीं है कि हमने क्यों रखना है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं अपने आपके सामने जो है वो रखना चाहूँगा, हम किसी की बिना सुने, हम गवर्नमेंट की बिना सुने, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है कि जब भी कोई वबा जानलेवा वबा फूटे तो एक दूसरे से जो है वो डिस्टेंस रखें, ठीक है, और एक दूसरे से मिले जुले ना ज़्यादा, ठीक है।
और इस तरह से जो है वो हमें एहतियात करनी चाहिए, और हमें उनके जो है वो जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी टीचिंग्स हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो अभी मतलब ये सब कुछ अभी पब्लिक रिस्पांस हो गया, और मतलब और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे ये सारा ये चल रहा है कोरोना, और अब हम इसे इस तरह कभी 1 साल के अंदर खत्म नहीं कर सकते, या हम कोई टाइमिंग नहीं है कि हम इसको खत्म कर दें, ये चलता रहेगा हमारे साथ और पता नहीं कब तक ये हमारे साथ चलेगा। तो अब हमारे जो हेल्थ सिस्टम है वो इसमें एक मेजर रोल कर सकते हैं। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो डेली बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, उनकी डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही है, और बिल्कुल 4-4, 5-5 डॉक्टर्स डेली मर रहे हैं पाकिस्तान में। तो जी ये जो है ना, इस सब में जो है सब कुछ बहुत बिगड़ जाएगा अगर डॉक्टर्स की कमी आएगी ना। जी जी तो ये सब कुछ वो डॉक्टर्स जिन्होंने पहले अपने घर वालों को लास्ट टाइम महीना 2 महीने पहले मिल के आए थे, बिल्कुल महीने से वो हॉस्पिटल्स में हैं और इलाज कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी चीज़ थी। लेकिन जो जिनकी डेथ हुई और वो सब कुछ, और हमारा जो पाकिस्तान में जो हेल्थ सिस्टम चल रहा है इस वक्त, वो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है उधर, सारा जो वेंटिलेटर्स और बाकी चीज़ें। देखिए, आप ही है वो कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस आपने इसमें पूछे हैं। पहला मैं ये है कि जी आपने पूछा कि डॉक्टर्स का जो है वो एक बहुत बड़ा, अनफॉर्चुनेटली हमारे डॉक्टर्स इतने नहीं हैं पाकिस्तान में जो एक्सपर्ट्स हैं इस ऐसी डिजीज़, फैटल डिजीज़ को जो है वो देखने के लिए। तो बहुत सारे यंग डॉक्टर्स भी और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी जो है वो दिन रात काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि उनकी 3-4 बार जो है वो हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में आके मीडिया टॉक की, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, और लोगों को हाथ जोड़ कर वो अपील कर रहे हैं कि फॉर गॉड सेक प्लीज़ स्टे एट होम एंड बी केयरफुल। ठीक है, आप इन लोगों को इतनी अभी भी समझ नहीं आ रही है कि बहुत, देखिए इसमें एक अगर इसको थोड़ा सा डिस्कशन को अगर हम ब्रॉडर जो है उसमें देखें तो बेसिकली हमें जो है ना लैक ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस नहीं, लोगों को अंदर एजुकेशन नहीं है कि हमने जो है चीज़ों को डील कैसे करना है। ठीक है, और अगर हम देखें डेनमार्क की हमारे सामने एग्जाम्पल है, स्वीडन की है, जहाँ पे लोगों ने वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन नहीं किया। ठीक है, विदाउट लॉकडाउन और उन्होंने जो है वो अपनी इस ओवरऑल सिचुएशन को जो है वो मैनेज किया, डील किया उसके साथ, और तो वहाँ पे भी केसेस आए, वहाँ पे डेथ टोल जो है वो हुआ, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं थी। ठीक है, उसके साथ लोगों ने गवर्नमेंट के साथ जो है वो पूरा कॉपरेट किया, जो कि पाकिस्तान में नहीं किया जा रहा। ठीक है, और आपने बात की पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम के बारे में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन चंद कंट्रीज में से, डेवलपिंग कंट्रीज में से एक है जहाँ पे हमारे एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सेक्टर पर और हेल्थ सेक्टर पर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। ठीक है, और ये अगर आपने इंसान ह्यूमन डेवलपमेंट पे अगर आपने काम करना होता है तो आप एजुकेशन सिस्टम पर लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं, और गवर्नमेंट ऐसे जो है वो इनिशिएटिव्स लेती है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से मैं बात कर रहा हूँ। और हेल्थ सेक्टर में अगर हम देखें तो हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जो जिनको हम कहते हैं कि ये गली मोहल्ले में जो डिस्पेंसरीज हैं वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते, मेडिसिन नहीं प्रॉपर मिलती, ट्रीटमेंट नहीं होता, तो इस तरह की जो है ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हमें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। हमारे सिटीज़ में कंपैरेटिवली जो है वो अर्बन एरियाज़ में ये सिचुएशन कुछ बेहतर है कंपैरेटिवली रूरल एरियाज़। तो एजुकेशन इसमें जो है हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा गैप है कि हमारे पास जो है वो इक्विपमेंट नहीं है, हम एडवांस मशीनरी हमारे पास नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, हमारे पास जो है वो हम आपने देखा कि वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं थे हमारे पास पूरे कंट्री में बिफोर कोरोना पेंडेमिक। हमारे पास कोई 1000 से 1500 जो है वो वेंटिलेटर्स अवेलेबल थे, जो कि थैंक्स टू चाइना कि उन्होंने हमें बहुत सारे गिफ्ट किए। ठीक है, और उसमें मास्क भी थे, कोरोना की जो है वो किट्स थी, वो एक जो है वो उन्होंने एक अच्छा नाइस जेस्टर जो है वो शो किया।
और ये जो चाइना ने हमें जो चीजें मतलब ये प्रोवाइड किए हैं, इससे पीछे जो चाइना ने खुद एक दिन के अंदर हॉस्पिटल बनाया, तो वो बहुत वो बड़ी चीज एक थी। बहुत ही जो है ना हाँ, अमेजिंग वो चीज थी। उसके ऊपर काफी उनको मतलब उनकी फुल तैयारी थी, जी, उन्होंने हॉस्पिटल की फुल तैयारी पहले की हुई थी कि किस तरह, उनको नहीं पता था कि ये कोरोना वगैरह कब आएगा, कैसे आएगा, पूरी दुनिया को नहीं पता था। और ये स्टार्ट भी एक फिश स्टोर से हुआ है, मतलब ऐसे सुना है कि एक फिश फिश देखिए इस पे अभी जो है वो कोई बहुत ज़्यादा जब ऑथेंटिक हमारे पास एविडेंस नहीं है, ठीक है। और दूसरा आपने बात की कि चाइना ने जो हॉस्पिटल्स बनाए, चाइना ने सिर्फ हॉस्पिटल्स नहीं बनाए, चाइना ने जैसे आपने देखा कि चाइना बिल्कुल जो है वो क्राइसिस में था, बिल्कुल तबाह हो गया था, लेकिन वो उन्होंने चंद सालों में अपने आप को जो है वो एज ए नेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो अपने आप को बना लिया, वो पूरी कॉम जो है वो बन के रखते हैं। और हम अनफॉर्चुनेटली कॉम नहीं बन सके अभी तक, हम जो है वो डिवाइड है, हमारे अंदर डिवाइड बहुत बड़ा डिवाइड है, ठीक है। अब इसको जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, वो डिवाइड क्या है वो हमें से बहुत से लोगों को पता है, ठीक है। और चाइना में जो है वो बहुत सारे जो है वो उन्होंने अपने आप को ग्लोबल मार्केट्स में जो जिस तरह से अपने आप को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है और वहाँ पे मार्केट्स को कैप्चर कर लिया पूरी की पूरी मार्केट्स को, और ये बहुत बड़ा जो है वो उनके लिए एज था। और ये हॉस्पिटल्स बनाना मेरे ख्याल से शायद उनके लिए इतना बड़ा जो है वो बहुत बड़ा अजूबा नहीं होगा, जो जैसे हमारे लिए था कि जिन्होंने विद इन फ्यू आवर्स जब वो हॉस्पिटल जो है वो बना लिया। और तो ऐसी एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में पंजाब में भी मिलती हैं, लेकिन बेशक हमने कुछ घंटों में नहीं, हमने कुछ दिनों में जो है वो बहुत बेहतर अच्छे जो है वो हॉस्पिटल जो है वो हमने बनाए हैं। और क्योंकि एक बहुत हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, ठीक है। और तो हमने इसमें थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट लेवल पे भी जो है वो नेग्लिजेंस नज़र आती है कि हमें जब पहला केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे तो हमें अपनी कैपेसिटी को जब एक्सपैंड करना चाहिए था, ठीक है। उसमें हम मेरे ख्याल से हम किसी हद तक नाकाम रहे, ठीक है। और जो भी हम देख रहे थे जैसे केसेस बढ़ रहे थे, हमें अपने आप को जो है ना बिल्कुल एक रेडी करना चाहिए था। और बहुत सारे लोगों ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया कि जी आप कर्फ्यू लगा दें, लॉकडाउन कर दें। इसमें अपोजिशन ने जो है वो अपनी पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी कि जी पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दी कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या चाहते हैं, सो ऑन, उसको हम डिस्कस नहीं करें यहाँ पर करना चाहते। लेकिन मेरे ख्याल से हमें इस जो है वो इस चैलेंज में, इस क्राइसिस में जो है ना हमें एक कौम बनना चाहिए था, जो कि हम अनफॉर्चुनेटली हम इसमें शायद इस तरह इस हद तक जो है वो नाकाम नहीं नाकाम हुए हैं, कामयाब नहीं हो सके। और दूसरा जो एक चैलेंज जो है वो इसके साथ मैं डिस्कस करता चलूँ आपके साथ, टिड्डी दल का जो एक चैलेंज हमारे सामने है, उसके बारे में आप जो है वो कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, वो मतलब इतना मुझे इसका मेजर तो नहीं पता पार्ट कि क्या था, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो